सो गाइस, क्या आप भी एक कूल सी ट्रिक सीखना चाहते हैं? तो गाइस, बस आप अपनी लाइफ का कुछ मिनट इस वीडियो के लिए दे दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये फ्लिप सीखने का बहुत आराम से आइडिया आ जाएगा, और आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फ्लिप भी आराम से आ जाएगी। सो गाइस, दिस इज़ मी रुद्राक्ष, एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। गाइस, ये फ्लिप आने से पहले आपको एक बेसिक सी फ्लिप आना जरूरी है, इसको हम एरियल कहते हैं। तो गाइस, उसका मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो बना रखी है, ऊपर वीडियो आएगी, सबसे पहले जाके आप उसको देख लीजिए। तो गाइस, वन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, सबसे पहले स्टेप में हम बात करते हैं इस फ्लिप का मोमेंटम या सेटअप कैसा होता है। तो गाइस, आप मुझे एक बार देखना और इसको फॉलो करना। अब गाइज, आपको यही स्टेप करते करते एक एरियल ट्राई करनी है इसमें, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया आपको वही करना है, और लेकिन साथ में नॉर्मल सी एरियल कर देनी है, लेग को किक करके हैंड्स को स्विंग करके। अब गाइज, आपको इसकी हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहनी है, और गाइज जब आपको ये अच्छे से आने लग जाए तो फिर आपको एक चीज़ ट्राई करनी है, आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन आप जब अपने हैंड स्विंग करते हो तो आपको अपने हैंड्स नीचे से अपनी बॉडी को फिर ऊपर ले जाना है और फिर एरियल ट्राई करना है। अगर आप समझे नहीं तो एक बार देखो मुझे। इसमें गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे नॉर्मल घूम के आना है, और अपने हैंड्स स्विंग करते समय अपनी बॉडी को नीचे से लेके फिर ऊपर ले जानी है, और फिर किक करके एक बटरफ्लाई ट्विस्ट करनी है। इससे गाइस, आपको बीटीएस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो इसको ज़रूर करना। अब गाइस, आपको ट्राई करना है, अब आपको यही सेटअप करते करते एक नॉर्मल सा इसमें ट्विस्ट ऐड करना है, हल्का सा, बस खाली घूम जाओ फील लेने के लिए। तो एक बार देखो गाइस कैसे होता है। गाइज, आपको इसको करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप एक स्टैंडिंग ट्विस्ट ट्राई करो, मतलब आप सीधे खड़े हो जाओ और गोल घूमने का ट्राई करो। तो गाइज, एक बार देखना। बस गाइज, इस ट्विस्ट को आप लेग से किक करके अपनी बी ट्विस्ट में ऐड कर दो, नॉर्मली है। गाइज, इस ट्विस्ट की आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, और धीरे धीरे आप ये भी ट्राई करना कि आप अपनी बॉडी को पैरेलल ले जाओ, मतलब अभी आप खाली घूम जा रहे हो, आपको धीरे धीरे ट्राई करना है कि आप अपने हैंड्स को नीचे से और इस हैंड्स को ऐसे ले जाके और नीचे से ऊपर जाते समय ट्विस्ट करना है और लेग से स्विंग किक करना है। गाइज, आपका याला हैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फ्लिप करते समय, मतलब जब आप हैंड्स को स्विंग करते हो तो इस हैंड से आपको ट्विस्ट लेने की पावर आती है, मतलब इस हैंड से आपका स्विंग जाता है एकदम परफेक्टली। अब आपके लिए वो हैंड याला भी हो सकता है, अब आप क्या पता आपकी साइड अपोजिट हो, आप इस साइड से करते हो और आपका हैंड याला हो, तो गाइज आपको इस हैंड का अच्छे से यूज़ करना है, इस हैंड को ले जाते हुए फिर ट्विस्ट करना है। अब गाइज, आपको ये चीज़ ट्राई करनी है, और आपको लेकिन अपनी लेग से स्विंग, पूरी पावरफुल स्विंग लेनी है, अपने लेग से पूरी फुल स्विंग लेनी है, अपने हैंड्स को पूरा नीचे ले जाना है और हैंड से पावर लेते हुए एक परफेक्ट बी ट्विस्ट ट्राई करनी है। गाइज, अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जिससे आपकी ये फ्लिप और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो यह सबसे पहली टिप मैं आपको ये दूंगा कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने जो लेग्स है ना,
कुछ इस तरह रखना है, ये जो आपका जो ज़्यादा लैग हुआ वो बिल्कुल इस तरफ को आना चाहिए, ना कि इस तरफ को। उससे क्या है, क्योंकि अगर आप इस साइड रखोगे ना तो आपकी बॉडी स्विंग नहीं हो पाएगी, मतलब ट्विस्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने लेग्स इस तरह रखने हैं। एक बार मुझे देखना, समझना फिर। गाइज इसके पीछे रीज़न ये भी है, क्योंकि गाइज अगर आप ना अपने लेग्स को ऐसे रखोगे ना, कुछ इस तरह आपने अगर लेग्स को रखोगे तो आपकी बॉडी ना एक तरीके से लॉक हो जाएगी, फिर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी आप अच्छे से ट्विस्ट कर सको। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आपको अपने लेग्स कुछ इस तरह रखना, इस साइड को, और फिर ट्विस्ट करना। इससे आपकी बॉडी एक फ्री स्टेट में आ जाएगी और इससे आपका ट्विस्ट भी अच्छे से हो पाएगा। दूसरी टिप गाइज ये है कि आपको अपने लेग्स, मतलब आपको अपने हैंड से भी स्विंग लेते समय आपको अपने टोज से भी ऊपर को जंप लेने का ट्राई करना है। मतलब आप अपने हैंड्स को तो स्विंग कर रहे हो, लेग को भी स्विंग कर रहे हो, लेकिन अपने टोज से भी जंप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको एक्स्ट्रा हाइट लेने में मदद मिलेगी। एक आखिरी टिप गाइज ये है कि आपको अपना जो ट्विस्ट है ना वो फास्ट करने की ट्राई करनी है। मतलब आप जब अपने हैंड्स को ले गए तो आपको अपनी बॉडी एकदम फास्ट ट्विस्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम स्लो ट्विस्ट कर रहे हो, एकदम फास्ट ट्विस्ट करने का ट्राई करना है। उससे आपकी बॉडी फास्ट घूमेगी और आपकी लैंडिंग भी क्लीन आएगी। गाइस देखिए इसमें मेरी रोटेशन कितनी ज़्यादा स्लो हो रही है, जिसकी वजह से मेरी लैंडिंग भी ख़राब आ गई और मैं गिर गया। आपको अपने हैंड से पावर लेनी है और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है फास्टली। सो गाइस इस वीडियो को एक बार समराइज करते हुए हम इस फ्लिप का एक छोटा सा स्लो मोशन दिखाऊंगा मैं आपको। उससे आप समझना कि क्या क्या टेक्निक्स मैंने आपको बताई और क्या क्या स्टेप इसमें यूज़ होंगे। सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सा स्टेप लेके आना है, फिर बॉडी को पैरेलल ले जाते हुए किक करनी है, फिर हैंड से पावर लेनी है, फिर ट्विस्ट करते हुए ज़मीन को स्पॉट करना है, फिर एक परफेक्ट लैंडिंग करनी है। तो यही थी गाइज मेरी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई, कुछ न्यू चीज़ें भी सिखाई मैंने जो और वीडियो में शायद आपको कोई सिखाता ना हो। और गाइज इसी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना, और ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ आप तक रेगुलर पहुँचे। तो गाइज ऐसी सपोर्ट करते रहिए, और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड गुड बाय।